तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार कल यानी कि दिवाली के खास मौके पर 1 नवंबर को सिनेमा घरों में बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। यानी कि यह अब तक का साल 2024 का सबसे बड़ा क्लैश था। एक तरफ थी कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3, जिसने सभी के होश उड़ा रखे हैं, और अपने फर्स्ट डे पर फिल्म ने जो कलेक्शन किया और आज अपने दूसरे दिन ये फिल्म जो कर रही है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ है बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन। इन दोनों ही फिल्मों को रिलीज हुए सिनेमा घरों में आज दूसरा दिन चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 अपने फर्स्ट डे पर इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा, और आज अपने दूसरे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, और फिल्म की 2 दिनों की जो टोटल कमाई है वो कितनी हो जाएगी। और साथ ही साथ बात करेंगे सिंघम अगेन अपने फर्स्ट डे पर इंडिया के अंदर कितनी नेट कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना ग्रॉस कलेक्शन रहा, और साथ ही साथ बात करेंगे आज फिल्म अपने दूसरे दिन कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म की जो 2 दिनों की टोटल कमाई है वो कितनी हो जाएगी। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप अजय देवगन और कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें भूल भुलैया 3 की। तो दोस्तों, भूल भुलैया 3 ये एक हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इसके 2 पार्ट पहले भी रिलीज हो चुके हैं जो बहुत बड़े सुपरहिट हुए हैं, और अब तीसरा पार्ट सबसे बड़ा सुपरहिट होने के लिए तैयार है। अनीस वाजपेयी के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है, जिसको प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और मुराद खेदानी ने। फिल्म में हमें कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी अहम किरदारों में नजर आई हैं। और दोस्तों, फिल्म का जो ऑफिशियल बजट है वो लगभग 150 करोड़ का था। लेकिन दोस्तों, वाकई अपने फर्स्ट डे पर भूल भुलैया फिल्म जो करने में कामयाब रही वो एक ऐतिहासिक ओपनिंग आप कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने फर्स्ट डे पर वो भी सिंघम अगेन के सामने, भाई ये सबसे बड़ा चैलेंज था। बावजूद इसके अपने फर्स्ट डे पर 37 करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब रही इंडिया से नेट। वहीं फिल्म का जो फर्स्ट डे इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा वो रहा 44 करोड़ रुपए। और सीज से फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया, फिल्म ने और सीज से लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई की अपने फर्स्ट डे पर। तो फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड टोटल कमाई रही वो लगभग 59 करोड़ रुपए की रही, यानी कि 60 करोड़ रुपए के आसपास आप मान लीजिए। हालांकि और सीज का जो कलेक्शन मैंने आपको बताया है वो ऑफिशियल नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप 59 से 60 करोड़ इस फिल्म का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मान के चलिए। इसके अलावा फिल्म की आज दूसरे दिन की अगर कलेक्शन की हम बात करें तो आज भी वैसे छुट्टी का दिन है और सैटरडे का दिन है, तो कम से कम 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई आज भी ये फिल्म करने वाली है। और फिल्म की जो 2 दिनों की टोटल कमाई है वो 77 करोड़ रुपए से ज्यादा इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 105 से 110 करोड़ रुपए कर रही है, जो कि काबिले तारीफ कलेक्शन है। यानी कि 2 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों, यहां पे बात करेंगे सिंघम अगेन की। दोस्तों, सिंघम अगेन अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। कल फिल्म रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में तो फिल्म को खूब तारीफें मिली थी, क्रिटिक्स ने भी फिल्म का साथ दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, फिल्म को 4 स्टार दिए। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी है, जो कि एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको प्रोड्यूस किया है रोहित शेट्टी, अजय देवगन और ज्योति देशपांडे ने। फिल्म में हमें एक बड़े स्टार कास्ट यानी कि आपके सारे हिट सुपर स्टार इस फिल्म में हमें नजर आ रहे हैं। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और साथ ही साथ सलमान खान का कैमियो भी इस फिल्म में देखने को मिला है। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, लेकिन दोस्तों, सिंघम अगेन अपने पहले दिन जो रिकॉर्ड बनाया है वो वाकई ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अपने पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे पर यह फिल्म इंडिया से 46 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करने में कामयाब रही। वहीं फिल्म का इंडिया के अंदर जो ग्रॉस कलेक्शन रहा वो लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास रहा, और सीज से भी फिल्म ने 20 करोड़ रुपए की कमाई अपने फर्स्ट डे पर की। वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा पहले दिन का यानी कि ओपनिंग डे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वो रहा लगभग 75 करोड़ रुपए का, और बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के नाम अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं अगर हम बात करें आज फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज भी ये फिल्म सुबह से ही पूरी तरह से हाउसफुल नजर आ रही है। जिस तरह मॉर्निंग के शोज पूरी तरह से हाउसफुल हैं, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट में तो आपको पता ही है पूरी तरह से ये फिल्म हाउसफुल जाने वाली है, क्योंकि फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, सभी ने फिल्म की तारीफें की हैं, और यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने भी फिल्म का साथ दिया, 4 स्टार दिए 5 में से। तो सब लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, तो इसी वजह से आज ये फिल्म कम से कम 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई अपने दूसरे दिन करने वाली है, और फिल्म की 2 दिनों की जो टोटल कमाई है वो 86 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में कम से कम 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर रही है, जो कि काबिले तारीफ कलेक्शन है, और फिल्म अपने पहले 2 दिनों में ही सुपरहिट चल रही है। लेकिन दोस्तों, भूल भुलैया 3 या फिर सिंघम अगेन, दोनों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा।